हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर हाइपर ओएस का नया अपडेट आया हुआ था 1.0.2.0। एंड यहाँ पर इसके पहले भी इसी का सेम अपडेट आया था, बस उसमें थोड़ा सा बग था। इसमें थोड़े बग्स को फिक्स किया गया है, तो इसका जो हम आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। एंड साथ ही साथ इसमें कुछ नए कस्टमाइजेशन भी डेवलपर ने डाले हैं, तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात होगी। यार, अगर चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, यार मैंने अभी आजकल में कुछ अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस डाले हैं, तो यार गाइज आप लोग उसको भी सपोर्ट करो प्लीज। सिर्फ कस्टम रोम की वीडियो को मत सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे जो चैनल पे कस्टम रोम के वीडियो आते हैं उसको काफी लिमिटेड लोग ही देखते हैं। यार जो अदर उस पर वीडियोज बना रहा हूँ, तो गाइज उस पर भी आप लोग सपोर्ट करो प्लीज गाइज। हाँ, तो अभी देख सकते हो, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि डेवलपर ने इसमें क्या क्या नए चेंजेस किए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेटिंग्स के बारे में। देख सकते हो ये चेंज लॉग है यहाँ पर, जो रोम है उसका, यहाँ पर डेवलपर का ये टेलीग्राम का चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने जो है कर्नल चेंज कर दिया है, यहाँ पर नया कर्नल इन्होंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे मैक्स FPS अनलॉक्ड ऑन सिस्टम एप्स, तो यहाँ पर आपको जो पबजी है या फिर कोई गेमिंग आप करते हो तो उसमें आपको जो मैक्सिमम ग्राफिक आपको अनलॉक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें न्यू बूट एनिमेशन इन्होंने ऐड किया है, एंड उसका जो लोगो है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कुछ इस तरीके से आपको इसका लोगो देखने को मिलेगा। जो नया लोगो है यहाँ पर हाइपर ओएस का इन्होंने डाला है, ठीक है, उसको अनलॉक कर देते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि कैमरा वाटरमार्क यहाँ पर अब वर्किंग आपका मिल जाएगा। एंड यहाँ पर iOS का इन्होंने लॉन्चर इसमें ऐड कर दिया है। एंड देख सकते हो एडेड मोड सिक्योरिटी सेंटर, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। एंड यहाँ पे कुछ वॉलपेपर्स भी इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सेटिंग्स की बात करूँगा धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले जो कंट्रोल सेंटर है यार, वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लाइक एकदम बेहतरीन यहाँ पे हो चुका है। एंड यहाँ पे बहुत ही स्मूथली यहाँ पे कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है, एंड इसमें अभी तक मुझे कोई बग देखने को नहीं मिला, काफ़ी दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो एंड अपने हिसाब से यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो कंट्रोल सेंटर तो भाई एक नंबर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। एंड जो एनिमेशन आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। यहाँ पे वोल्टी जो है आपका वो भी अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, सारी चीज़ें परफेक्ट यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे कोई भी इशू इस टाइम पे नहीं आ रहा है। देख सकते हो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करके रख चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर सारी सेटिंग्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि चेंजेस इसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, सारी चीज़ें परफेक्ट काम कर रही हैं, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्नल चेंज हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं जाऊँगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन एंड ओएस फॉर पोको यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो ये ग्लोबल वर्जन है। अभी चाइना वाला जो है उसमें अलग अलग और ज़्यादा खतरनाक फीचर हैं, तो उसका भी वीडियो का अपडेट यहाँ पर मैं लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। ये ग्लोबल वर्जन है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो डिटेल एंड इन्फो स्पेक्स में जाएंगे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड्रॉयड 14 पे ये बेस्ड है, जैसा कि आप लोग जानते हो कंपनी की तरफ से मी एटवल डिवाइसेस को एंड्रॉयड 14 का अपडेट नहीं मिला है, बट यहाँ डेवलपर आपको हाइपर ओएस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे कर्नल देख सकते हो नया वाला आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, एंड ओवरऑल सारी चीज़ें इस तरीके से देख सकते हो, सिक्योरिटी पैच वैच सारी चीज़ें आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन में अगर आप जाते हो तो कुछ ये सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पे अच्छे से काम कर रही हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, शो कनेक्शन स्पीड आप कर सकते हो, तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से दिखाने लगेगा। एंड यहाँ पर और भी सारी चीज़ें इस तरीके से देखने को मिल जाती हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे होम स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पे सारी चेंजेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, काफ़ी खतरनाक चेंजेस यहाँ पे किया गया है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो, तो स्टेटस बार क्लॉक विजिबिलिटी आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप अपने स्टेटस बार को हाइड कर सकते हो, ऑलवेज शो कर सकते हो, यहाँ पे डिफॉल्ट रख सकते हो। तो ये सेटिंग इन्होंने ऐड की है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं डिफॉल्ट पे कर देता हूँ। एंड यहाँ पर और भी सारी सेटिंग्स हैं, तो ये सेटिंग्स कभी कभी जो है काम नहीं करती, तो एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें काम करने लगेंगी, कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पर। एंड देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन स्पीड एंड न्यू लॉक एनिमेशन, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो लॉक एनिमेशन है वो आप देखो गाइस काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पर जो एनिमेशन है वो बहुत ही तगड़ी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एंड और भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से है, राउंडेड सुपर आइकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सुपर आइकन्स होते हैं वो राउंडेड अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पे ब्लर, यहाँ पे देख सकते हो बाउंस वाइल ओपनिंग फोल्डर, बाउंस वाइल क्लोजिंग फोल्डर, ब्लर इन ओपन्ड फोल्डर एंड स्मॉल फोल्डर ब्लर। तो देख सकते हो स्मॉल फोल्डर ब्लर का क्या मतलब है, ये देख सकते हो ये ब्लर में आ रहा है जो फोल्डर है। एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो इस तरीके से बाउंस करके हो रहा है ये, एंड यहाँ पे जब क्लोज कर रहा हूँ तो ये भी बाउंस होके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं। एंड और भी सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इस तरीके से नीचे जाता हूँ मैं,
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे iOS का आपको जो है रिसेंट बार देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। अरेंज आइटम इस रिसेंट में अगर आप जाओगे तो iOS स्टाइल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको ऑन कर दोगे, उसके बाद आप इस तरीके से करोगे तो आपको जो है iOS स्टाइल देखने को मिलेगा। लाइक अगर मैं दो तीन चीज़ और यहाँ पे ओपन कर लूँ इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं अब इस तरीके से करता हूँ, देख सकते हो iOS वाला आपको इसमें देखने को इस तरीके से मिल जाता है। साथ ही साथ आपको रैम भी ऊपर देखने को इस तरीके से मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर और भी सारी सेटिंग्स है, जैसे वॉलपेपर इसमें नया ऐड किया गया है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे और भी सारे अपडेट आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो गाइज, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर दो यार। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से ऑनलाइन वॉलपेपर पे, एंड यहाँ मैं इस तरीके से जाता हूँ माई अकाउंट पे, एंड वॉलपेपर पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कुछ नए नए वॉलपेपर्स इन्होंने ऐड किए हैं, वो आपको देखने को इस तरीके से मिल जाता है। तो काफ़ी तगड़ी तगड़े वॉलपेपर्स हैं, आप यहाँ पे इसको सेट भी कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन लग रहा देखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। साउंड एंड टच में जाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये एक नया ऑप्शन है जो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ये अभी इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जो अपडेट आएगा अगला तो उसमें ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फिंगरप्रिंट एंड फेस डाटा की बात करें तो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। बैटरी पे अगर जाते हो तो यहाँ पर जो नई वाली UI है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है, लाइक इस तरीके से देख सकते हो, तो एकदम बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो अब सीधे हम बात करेंगे एंटिटी स्कोर एंड सारी चीज़ों के बारे में। तो देख सकते हो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एंटिटी स्कोर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आ चुका है, देख सकते हो, मतलब काफ़ी जहर स्कोर आया हुआ है एकदम। एंड यहाँ पे जो गेमिंग है वो भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाएगी गाइस। यहाँ पर जो आपको अनलॉक FPS देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छी सेटिंग है, तो आप 60 FPS पे यहाँ पे गेमिंग कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं और भी सारे स्कोर्स आपको दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग देख लो, ये भी एकदम खतरनाक तरीके से आया हुआ है, नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ग्रीन ग्राफ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हो Geekbench स्कोर कुछ इस तरीके से निकल के आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा स्कोर कम है, बट यहाँ पे एंटिटी स्कोर एंड वो CPU थ्रॉटलिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करना है FBE V1 वाला। तो FBE V1 वाला आप ऑरेंज फॉक्स या फिर TWRP दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो है इसका जो zip फाइल है वो हर डिवाइस के लिए अलग है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो मी एटोल डिवाइस 5 डिवाइस आते हैं, जिसमें Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro एंड लास्ट वन इज Redmi Note 10 Lite, ठीक है। इन पांचों डिवाइसों में आपको इंस्टॉल सेम तरीके से करना है, कोई भी आपको इश्यू नहीं आएगा, जिस तरीके से हर रोम इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पे जो रिकवरी है वो आपको FBE V1 यूज़ करना है, ठीक है। रोम फ्लैश करने के बाद आपको जो है यहाँ पर फॉर्मेट डेटा आपको येस टाइप करके ओके कर देना है, उससे आपका जो ये रोम है वो यहाँ पर फ्लैश हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे आप, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड जो मेरे अदर वीडियोज़ हैं यार उसको भी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब बटन तो दबा दो यार, कम से कम आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है गाइज, तो आप प्लीज़ इस तरीके से सपोर्ट करो गाइज आप लोग, एंड 7K जल्दी से पहुंचा दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके बाय बाय गाइज़।